दस दिन में 700 करोड़। तो जो लोग अभी तक ये नहीं मानते थे कि रणबीर कपूर एक सुपरस्टार है, अब उनके कल्टी मारने का टाइम आ गया है और अब ये मानने का टाइम आ चुका है कि रणबीर कपूर एक रियल में सुपरस्टार है। और ये चीज सिर्फ एक एनिमल मूवी प्रूफ नहीं करेगी, बल्कि रणबीर कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट जो लगभग 5-6 प्रोजेक्ट है और ये आने वाले टाइम में 7-8 हजार करोड़ का बिजनेस करेंगे। तो देखो, अगर तुम्हारे मन में ये शंका है कि एनिमल के बाद रणबीर कपूर फिर से गायब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी आने वाली मूवीज और भी बड़ी मूवी होने वाली है जो कि एनिमल की भी बाप होने वाली है। वेल, एनिमल मूवी के बाद तुम सबके मन में ये सवाल तो आया होगा कि अब रणबीर कपूर के कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं। तो बात करते हैं उन्हीं मूवीज के बारे में जो आके बहुत तगड़ा वाला बिजनेस करने वाली है। तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले रामायण मूवी के साथ। ये मूवी रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। अब इस बात का अंदाजा तुम इसकी स्टार कास्ट से लगा सकते हो, जिसमें रणबीर कपूर तो है और उनके सामने है KGF के रॉकी भाई, बोले तो यस, और उसके साथ साथ है साई पल्लवी। तो यार, ये मूवी बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, मतलब इसका बजट ही लगभग 500 से 1000 करोड़ होने वाला है। तो ये मूवी की अगर कमाई की बात करें तो ये मूवी कितनी कमाई करेगी, इसके बारे में अभी से बात करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा वाला बिजनेस करने वाली है। नंबर 2 पर आती है ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2। तो देखो, ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी मूवी थी ये तो हम सब लोग जानते हैं। अगर वहीं ब्रह्मास्त्र 2 की बात करें तो इसमें हमें डेप के कैरेक्टर में रणबीर सिंह देखने को मिलने वाले हैं, मतलब रणबीर वर्सेज रणबीर दोनों आमने सामने होंगे। तो ये मूवी बहुत बड़ी होने वाली है, इसमें BFX CGI पे भी जम के काम किया जाएगा, इसलिए इस मूवी को 1000 करोड़ के क्लब में अभी से लगा लो। नंबर 3 पर आने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कभी टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और ये राजकुमार हिरानी की मूवी होने वाली है। तो देखो, राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका सक्सेस रेट 100% है, मतलब इन्होंने जितनी भी मूवी दी है वो सबकी सब सक्सेसफुल रही है। और अगर इन दोनों ही की बात करें तो देखो, संजू मूवी से अपना जलवा बिखेर चुके हैं, जहां उस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे। ये बात तो तय है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है और ये मूवी भी लगभग 1000 करोड़ कमाएगी। तो नंबर 4 पर आती है एनिमल पार्ट 2। अभी हाल फिलहाल में ये एनिमल मूवी चल रही है, इसने 10 दिन में 700 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अगर वहीं बात करें एनिमल 2 की, तो इसमें हमें रणबीर कपूर फिर से दिखाए जाएंगे और भी चीजें बहुत डीपली दिखाई जाएंगी, जैसे बॉबी देओल के कैरेक्टर के बारे में। तो संदीप बंगा ने ये कंफर्म कर दिया कि इसका पार्ट 2 आने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा डीप होने वाला है, मतलब ये वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से भी ज्यादा डीप होने वाला है। तो फिर क्या ही लेवल होगा, ये तो सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 5 पर आने वाली है किशोर कुमार की बायोपिक। ऐसे जो लेजेंडरी स्टार जिसके ऊपर बायोपिक बन रही है, इसका मतलब ये है कि चीजों को बहुत सोच समझ के किया जाएगा और रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ बहुत सारी चीजें की जाएंगी। फाइनली ये मूवी भी रणबीर कपूर की बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। तो ये ऐसे 5 प्रोजेक्ट थे जो आने वाले सालों में तहलका मचाने वाले हैं। तो वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।